सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। सुबह के भाई बज रहे होंगे 11:30 बज चुके हैं, 11:28। और मैं आपको बता दूं, आज कॉल्स हैं टॉक विद यशल्स पे और मैं अगले 3 दिन बहुत बिजी हूँ उसमें, तो लेकिन मैं आपको एंटरटेन करने ज़रूर आऊँगी। डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और भाई अभी मेरा जो पति है ना, मेरे पति की ना एक मेडिसिन चल रही है जो इनको खानी है बनाना में। लेकिन आदमी को इतना तो पता होना चाहिए कि भाई अगर मुझे खांसी हो रही है तो मेरे को केला खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। सुबह ही भर के बैठ गई केला, और फिर जो खांसी हो रही है ना, खाऊं 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 वाली, उससे तो मेरे को ही तकलीफ हो रही है ना। क्या फायदा रात को 12 बजे जाके सोयाबीन लाने का? अभी भी तो सोयाबीन नहीं खा रही, सुबह से सोयाबीन नहीं खा रही, और केला भी तो खा लिया ना फिर, इसीलिए लाके तो तूने दिया। तो बाबू मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कराया आपने, मुझे लगा कि आपको दही हो रही दिक्कत, तभी आपने बोला कि दे दे दवाई। और ये दोनों माशे देख लो ऐसे से बैठे हैं यहाँ पे, इनका यही काम है। सुबह इन्होंने ट्रे तोड़ दी। हाँ, और हाँ चलो मूवी दिखा देती हूँ आपको मैं, सुबह का काम इन्होंने क्या किया है आज। ये ना वो सब्जी रख के गई थी, ये मेड गरम करके, और ये मैंने वो सुखाए थे पुदीना, कि भाई ये मैं उसको ऐसे ऐसे इनको क्रश करके डालूंगी उसमें दही में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ये ट्रे गिरा दी, और ये देख लो, ये देख लो, ये इन दोनों भाई बहनों के काम है सुबह सुबह के। सुबह सुबह इन्होंने इतना नुकसान कर दिया, इतना गुस्सा आता है ना इनके ऊपर कभी कभी, इनका मुंह तोड़ने का मन करता है मेरा, मैं क्या करूं। लेकिन यार सुबह सुबह ये सारे नाटक, अभी देख लो इसकी हरकतें। सुधरेगा ही ना तू, बिल्कुल सुधर नहीं सकता ना तू। फिर रो रहा था सुबह है, फिर तू रोता है जब मैं तेरे को डांटने आती हूँ, तो शर्म है थोड़ी बहुत, है शर्म? इसकी नाक कटवा दो जिससे ये सूंघता रहता है ऐसे करके, शायद तेरे को शर्म आती है। मेरे से बात कर, शर्म आती है तेरे को? आती है, आती है क्या? बाप की तरफ मत देख अपने, तेरे को शर्म आती है? आती है शर्म? आती है शर्म कि नहीं आती? क्या पूछ रही हूँ मैं, क्या करेगा इसका? लगा देती हूँ तेरे बाल में, जो नहीं लग जाएगी पागल है। पागल है क्या? तो कहीं तो लगाऊंगी ना, एक थप्पड़ मारेगा ना इसको, चाहिए क्योंकि ये तो बोल रहा है उसको पता नहीं देवदास नहीं बनी पड़ी है वो, क्या उस उदमी में क्यों बैठी है वो, है वो बंदर जैसे भू वाली बिल्ली, क्या हो गया, किसने ब्रेकअप हो गया, क्या ब्रेकअप हो गया साहिब से? पापा मैं तो बॉयफ्रेंड नहीं बना, साहिब से ब्रेकअप हो गया क्या? ब्रेकअप हो गया साहिब से? रो क्यों रहे हो? अच्छा रो क्यों रहे हो फिर, रो क्यों रहे हो? रोने के अलावा और क्या रहेगा? मैं तुम दोनों को देखती हूँ पालो करते करते, मेरे दिल पे मेरी छाती में सांप दौड़ जाते हैं, क्या करूँ मैं, ये मोटा गेंडा मेरी छाती में रख दिया, क्या चाहिए, खा ले, खा जा। तो भाई ऐसा ऐसा है सीन अभी, और फिलहाल मैं डुबू के लिए कुछ बनाने जा रही हूँ बढ़िया। अच्छा वो तो बता दे लोगों ने, पता नहीं अभी तो हमें पता नहीं लोगों ने नोटिस किया है नहीं किया है, गेस किया है नहीं किया, क्योंकि अगर आप गेस नहीं किया तो बता दे ठीक है। अगर आप लोगों ने गेस नहीं किया तो मैं आपको बता देती हूँ कि कल हम गए थे भाई, मतलब डुबू ने मेरे को दिलाया है ये, देख सकते हो आप, ये दिलाया है डुबू ने मुझे, एक मिनट, सुंदर लग रहा है देखो। वैसे ये मैंने नोज रिंग, मतलब इन्होंने मेरे को नोज रिंग के लिए पसंद किया था, लेकिन जब मैंने नोज में पहना, आपको पता है मैंने जो ये पहना हुआ है ना, ये मेरे पास मेरे पापा के टाइम का है और उन्होंने दिया हुआ है बहुत टाइम पहले का, और 2002-2003 में मैंने पियर्सिंग कराई थी, और तब से लेके आज तक तकरीबन 21-22 सालों में मैंने अब कभी भी अपने नोज में कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ तक कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने जो नथ पहनी थी तो मैंने इसी के साथ पहनी थी, और आज तक मेरी नोज में सिर्फ यही एक है जो आप देख रहे हो। और उस टाइम ये आया था यीशु के पापा के आखिरी निशान, yes, उस टाइम ये आया था 100 रुपीज का ओनली, गोल्ड का है ये बोला, वैसे ये वायर नहीं है, एक थिक वो है, अगर आप लोगों को लगे तो वायर नहीं है। तो ये उस टाइम पे आया था 100 रुपीज का, आज के टाइम पे इसकी कीमत होगी 1500 रुपए, तो इतना टाइम इतना फर्क आ चुका 21 सालों में, 22 सालों में। तो वही यही हुआ कि कल वो नोज, ये इन्होंने लिया था मेरे को कि नोज वाले रिंग पर्पज से, कि नोज में पहनेगी तू, लेकिन नोज में तो भाई अभी इनको मैंने ऐसे कर करके दबा दबा के इसको ऐसे कर दिया, ये गोल है ही नहीं तो ये चिपका रहता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को मेरी ये बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब पूछते भी है बहुत सारे लोग के भाई कहाँ से लिया कैसा है करके। अब मैं उनको क्या बोलूं कि लिया तो मैंने गोल ही था ये, अब मैंने इसकी शेप ऐसे कर दी ऐसे दबा दबा के ये ऐसा हो गया। अब जब मैंने ये वाला गोल प्रॉपर जब नोज में पहना तो भाई लोगों को पता नहीं, मतलब लोगों को कहां से, यहाँ क्या बोल रही हूँ मैं, लोगों को नहीं मतलब
समझ बता नहीं सकती मैं, उसका नाम लेना नहीं चाहती। जैसी मैंने नाक में पहन के उसकी तरफ इशारा किया ना दिखाने के लिए, वो क्योंकि फोन पे इतना गंदा मुंह बनाया ना, गंदा मुंह बनाया ना उसने, इतना गंदा मुंह बनाया ना सब्जी खराब हो जाती है आलू की। बस ये समझ लो आप, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने फिर हट निकाल दिया नाक से, क्योंकि वो गोल है ना तो फिर एकदम से वो एक्सेप्टेंस मैं अभी नहीं दे पा रही हूँ सही बताऊं तो उसको। बट ऐसा नहीं कि वो बुरा लग रहा था, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दिखाऊं तो मैं दिखा भी सकती हूँ डाल के, देखना है आपको नोज में डाल के कैसा लग रहा है, देखना बहुत ही गंदा लगेगा, रहने दे। गाइस की पसंद तो पूछ, अगर गाइस कमेंट में बोलेंगे दिखाओ तो दिखा देना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये इन्होंने मुझे दी है, ये गोल्ड इयरिंग नोज पहन सकते हो, ऊपर वाले साइड पहन सकते हो आप इसको। सो भाई ऐसा ऐसा है, और अभी मुझे जाना ब्रेकफास्ट बनाने, और डुगू ने मुझे लास्ट व्लॉग के लिए बहुत ज्यादा ये बोला कि तूने बहुत ज्यादा बोर कर दिया व्लॉग बनाना, जरा मैं तो चटनी के साथ जलेबी खाई थी, मैंने गाय का बोर कर दिया, मैं गाय का बोर करती हूँ। और गाइस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सास बहू की कंटेंट बनाना शुरू कर दूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ। हैरी रोटी क्यों नहीं बनाई तूने, सब्जी क्यों नहीं बनाई, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि आप चाहते हो कि मैं सास बहू के कंटेंट बनाऊँ। तो भाई मेरा बहुत बहुत ज्यादा मन है, और तुम्हारा भाई तो भाई ला देगा अगर आ गया तो कंटेंट बनाने पे। मैं पता नहीं यार आलस की भरी हो गई हूँ मैं आजकल, जब से मेरी जिंदगी में कुछ आलसी लोग आ गए ना, यू नो माय कैमरा मैन जिसने कैमरा फड़िया होया है। किया तानू मेरे नमस्ते की टी शर्ट पहनी है, नमस्ते वाले कमीने नमस्ते करके पता नहीं कहाँ चले गए, नमस्ते करके पता नहीं कहाँ चले गए। अरे भाई पुरानी हो गई, बाकी कुछ भेजो। नहीं मतलब मैं वैसे एक बात बोलूंगी कि इसका स्टफ बहुत अच्छा है भाई, दोबारा प्रमोशन कर दिया हमने उनका, मेरे को पसंद है यार ये स्टफ बहुत अच्छा है, इतना इतना पहन लिया, इतना धो लिया ना इसको, लेकिन इसका स्टफ को कुछ नहीं हुआ। सच बताइए मैं किसी कपड़े के पीछे, आजकल मैं ज़ारा की ब्लू जींस क्यों नहीं पहन रही, गाइस बाबू चल खाना बना, भूख लग रही है बहुत तेज, अब लोग आ जाएंगे, सारा दिन उसको ऑर्डर देती रहती है, कुछ कुछ करती आलू की सब्जी, और वो देख लो पुदीना, चलो एक रोटी बनाई अपने लिए, ठीक है। तो मेरे को लगा कि ओहो इतना असर हो गया कि चलो डाइट पे आ गई ये लड़की, अब ये डाइट करेगी, ठीक है, मैं खुश हो गई, मैंने कहा चल सही है डाइट पे आ गई अब, ठीक है। और मेरे को है ना इसको है ना, आप लोग बोलते हो कि मैं इसको बोलती रहती हूँ कि कम खाया कर, है ना, और मैं खुद नहीं कंट्रोल करती, आजकल मैं मेरा बहुत कंट्रोल हो गया है, जितना ये मैदा खाते ना उसे मैं बहुत कम खाती हूँ, कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन ये है कि मैं रीज़न बता रही हूँ ना कि क्यों मैं मना करती हूँ तुझे, अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि मैं क्यों मना करती हूँ इसे। जब इसका वेट बढ़ना चालू होता है ना तो एक तो ये बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि बस मेरे पास कुछ, मतलब मैं कुछ हुई नहीं, मतलब ये बहुत ज़्यादा ना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गिर जाता है, फिर इसका कुछ भी करने का मन नहीं होता, फिर ये मेरे को बोलती है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर भी मेरे को ही बोलती है, तभी मेरे को ही बोलती है कि तू मेरे को रोकती नहीं खाने से, ये नहीं करती वो नहीं करती, तो ये रीज़न है मुझे इसको रोकने का। तो मैं तो दोनों तरफ से फंसी, अगर मैं इसको आप लोगों के सामने रोकूँ तो आप लोग बोलोगे क्यों रोकती है, और अगर मैं इसको वैसे रोकूँ तो ये बोलेगी मुझे क्यों रोकती है, और जब मोटी हो जाएगी फिर बोलती है मुझे तू रोकती नहीं, बंदा कहाँ जाए। अभी देख लो जरा, ये देख लो जरा, अभी यहाँ पे चल रहा है भाई ये, और कहाँ गई वो, कुछ नहीं है। हाँ ये देखो, कल स्पेशली मैडम कलम लेने गए थे, सिर्फ और सिर्फ क्या लेने गए थे, हाँ स्वालिन की वो दवाई लेने गए थे, उसके लेने गए थे हम। उसके साथ साथ मैडम ये लेके आई, दिखाना जरा, ये देख लो ये मैगी मसाला कप, ठीक है। तो क्योंकि ये इसको फ्लाइट में इसको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, तो मैंने भी बोला चल ठीक है ले ले, और अब मैडम ये बनना खा रही है, और इसमें इतना ज्यादा पानी डाल दिया इसने, और ये बिल्कुल ही फीकी हो गई, मैंने काला नमक डाल के सेट कर दिया, बादल सी खाओ चुपा पता नहीं क्या है, कैसा लग रहा, टेस्टी लग रहा, फ्लाइट की याद आ गई। तो भैया कितने का मिलता है ये, 250 रुपए का, 50 रुपए का है। चलो गाइस थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो गाइस रात के बज रहे हैं भाई 8:30, और मैं आपको बता दूं दिन में शूट नहीं कर पाई मैं, एक तो दिन में मैं बिजी थी डॉक्टर रिहर्सल्स की मेरी कॉल्स थी आज, और शाम को मुझे जाना था हेयर स्पा कराने जो कि मैं नहीं जा पाई। उसका रीज़न है कि डुगू की ना खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इनको ना खांसी हल्की हल्की थी,
कल रात को थोड़ी हुई और इन्होंने आज मॉर्निंग में ना ये वो जो मैं बता रही थी केले वाली दवाई खा ली, उसके बाद दिन में बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। और अभी शाम को क्या थोड़ी देर पहले ये सो गए थे 1 घंटे के लिए, 7 से 8 ये सो गए, तो मैंने नहीं उठाया कि थोड़ा आराम मिलेगा खांसी में, क्योंकि इन्होंने पीने वाला सिरप लिया हुआ था। फिर उठने के बाद भाई ये बोलने लगे मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी हार्ट बीट थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई थी। पता नहीं आदमी क्या चाहता है मेरे से, कभी ये बीमार कभी मैं बीमार। क्या चाहता है तू मेरे से? मैं क्या चाहती हूँ? मैं क्या चाहूंगा बाबू? ठीक हो गई अब थोड़ी चेक की दोबारा? गाइस मैं आपका डुग्गू की हार्ट बीट 122 हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, और क्योंकि इनकी नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब है, तो आई होप कि बस अभी ठीक हो जाए। मैंने पूछा भी डॉक्टर के लिए जाना है इनको, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं जाना है। इधर दिखाना नींद ना लेने की वजह से भी हो रहा है आपको पता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही आपकी। नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। 11 बजे सो जाना चुपचाप, आज दाल बना रही हूँ, दाल ही खाओगे, चावल नहीं दूंगी, नमकीन नहीं खाएंगे, ठीक है? आलू का नाम भी मत लेना। क्या हुआ? कुछ नहीं, आ गया, कोई बात नहीं, अगर आप आगे जाए तो। और भाई ये देख लो इनकी तो नींद रही नहीं, चिंता है कुछ दोनों को कोई चिंता है क्या तुम्हें? साहिब जी दाल खाएगा मेरा बेटा? दाल और रोटी नहीं, तूने तो रोटी तो नहीं बोला बनाने, दाल चकली खाएगा तू तो। तो सांभर मसाला डाल देना, थोड़ा थप्पड़ भी डाल दूं? सांभर मसाले से थोड़ी कुछ होता है, तो मैं उसमें उंगली का पानी डाल देती हूँ। मत कर यार परेशान, मैं तो यार हेल्थ के लिए बोलती हूँ, मैं तो मेरी बात सुनती नहीं है, फिर मेरे को ऐसे बोल देते कि भाई तू मुझे ऐसे कह रही है। उस दिन मैंने इनको कई बार बोल चुकी दही मत खाओ, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं, कुछ नहीं होता, मेरे को सूखा सूखा लग रहा है, नमकीन भुजिया भी लिया, ये भी लिया, फिर मेरी तो बुराई करती रहती है कैमरा पे कि ऐसा ऐसा ऐसा, कम से कम मैं तबीयत खराब है तो परहेज करती हूँ ना, मोटापे का परहेज नहीं करती वो अलग बात है, वो भी तुम्हारा भाई छूमंतर कर देगा, मोटापा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? बस तुम्हारे भाई ठीक हो जाए, भाभी तो मस्त है, भाभी को कोई टेंशन ही नहीं है। की होई जांदा तेनू? मैनू लगा तेनू थप्पड़ दी लोड़ आ, ओदे बाद तू एकदम ठीक हो जू, ते नाले तेरी हार्ट बीट भी ठीक हो जू। सही गला, मैनू लगदा सही गला। खा ला फिर, मैं अज मेरा मन नहीं आएगा खान दा, तो कीवे ठीक होगी फिर? जब मेरा मन होगा ता मैं खाऊंगी। तो ठीक कीवे होगी? दिल दी धड़कन अज इतनी तेज तेज चलदी पई आ, ओना दा की इलाज आ? ठीक हो जूगी, ओदी कोई टेंशन नहीं है। हो जूगी? तेरा की हाल चाल आ? लभ लिया तू कोई बंदा, बॉयफ्रेंड बना लिया तू कि नहीं? मेरी चोने काकड़ी मकड़ी काकर जे जे चारा दिन तो बिचारा जो चार दिया। आई गलती हो गई मेरे से तो, बाप रे। उसको देखो, उसको जबरदस्ती, उसकी देखना जरा, देखना डुगू उसकी चेयर पे चली गई जान बूझ के, उसको क्यों? हाँ बहुत पारो पारो चल रहा है इनका। किचन में ना डुगू के लिए बना रही हूँ अरहर की दाल, बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, क्योंकि अब मैं इनको इतना रोकती हूँ कि भाई थोड़ा नॉर्मल वॉर्मल खाओ, वैसे तो मैं बिल्कुल सिंपल ही बनाने वाली हूँ, तो इनको चकली खानी है तो वो कुछ नहीं है, रोटी जो कच्चा आटा होता है उसकी रोटी के मतलब टुकड़े करके उसके अंदर डालने होते हैं, फिर वो पका लेते हैं दाल के अंदर ही, तो वैसे तो वो हेल्दी होता है, कोई ऐसा हार्मफुल नहीं होता, बट आज मुझे मेरा स्पा ना जाने का बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं क्यों नहीं गई, मुझे जाना था आज, कल भी मेरी कॉल्स हैं टॉप ऑफ द में, मेरे को परसों भी मेरी कॉल्स हैं, तो मैं थोड़ा बिजी हूँ गाइज, है ना बाबू? बिजी रहता हूँ ना मैं, तू मेरे से बहुत लड़ती है ना, लेकिन मैं कल लड़ती हूँ, तू लड़ती है मेरे से, लड़ती हूँ तेरे से, मैं गंदी लड़की हूँ ना मैं, इसलिए है ना। उसको देख, उसको देख, उसको देख, तू की तुम तुसी दोनों की करी जाते हो? हाँ सर्कस भेजदा तुम सानू दोनों, सर्कस लब्भा कोई? हाँ उत्थे दिखाई खेल जाके, ठीक है थोड़ा पैसा भी आऊगा घरे, ठीक है जाओ तुसी दोनों उत्थे ते पै कमा के लाओ, चलो
सो गाइस फाइनली यशु मेरे लिए बना के ले आई है भाई चकली, दाल दाल ढोकली, दाल चकली कुछ भी बोल सकते हो इसको आप। तो फटाक से मैं जरा खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। खा के बताओ पहले गाइस को। खा के बताओ। ये कांड किया इसने यहाँ पे, ये इसने यहाँ पे ना ये लगा दी चुन्नी, क्योंकि बोलते कि मैं सारा दिन खुद को घूर घूर के नजर लगाती हूँ, तो इसने ये चुन्नी लगा दी इसने। Exactly, that's the reason. ये क्या बात हुई? मुझे लगता है आज अच्छी नहीं बनी है। क्यों? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी मुझे पता नहीं। वैसे इसमें अपन प्याज टमाटर कभी भी लगाते नहीं थे। मैंने पूछा था आपसे कि प्याज टमाटर डाल के लगाना है कैसे, आपने कहा जैसे मर्जी बना दे, क्योंकि ये इमली वाला पानी भी नहीं है ना फिर इसमें, इसीलिए फिर वो ज्यादा ही लगती है, इसलिए मैं क्या कुछ तो करूँ। रोटी कच्ची नहीं है, रागी का आटा है क्योंकि नीचे, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं चेक कीती हुई हूँ तो 25 मिनट तो दाल पकदी पई है, कच्ची नहीं होंगी है, रोटी कच्ची नहीं है, पकी हुई है रोटी। रागी का आटा हैगा ना ता करके लगदी। सांभर मसाला डाला था? इससे ज़्यादा नहीं डाल सकती सामा मसाला, मैं काफ़ी ज़्यादा डाल चुकी हूँ, मैं इतना भी नहीं डालना चाहती थी, पर मैंने दाल एक बार टेस्ट की तो इमली के बिना नहीं आएगा ना इसका टेस्ट, इसमें दाल में यही तो दिक्कत है, तभी तो बोल रही थी मैं, अगर तुम इसमें इमली डालोगे ना तो इसमें आपको वो वाला टेस्ट आएगा, खट्टे के बिना टेस्ट वैसा नहीं आएगा, इसीलिए प्लीज़ खा लो। मैं डालूंगी नहीं खट्टा इसमें कुछ भी, हाँ मैं बता रही हूँ कि मैं दाल में कुछ खट्टा डालूंगी नहीं, क्योंकि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैंने बहुत छूट दे दी आपको। फॉक लगा दूँ? चलो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं। गाइस रात के बज रहे हैं भाई, अभी 11:30 हो रहे हैं, 11:15 का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग बस सो रहे हैं क्योंकि डुगू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और हम अभी शेड्यूल चेंज भी कर रहे हैं अपना, क्योंकि रोज़ रात को भाई एक दो बजता रहता है, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग बिल्कुल भी अपना शेड्यूल सही नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये भी सो जाएं, क्योंकि दवाई लेके सो के जो फ़ायदा होगा ना तभी गले में आराम मिलेगा खांसी में, ऐसे तो चलता रहेगा यही सब सिनेरियो। और ये देख लो उसको, वो तार नज़र आ रही है ना उसकी, ये धागा सा। और भाई मैंने आपने देखा ही था आज वो बनाया था दाल ढोकली, और अच्छी बनी थी वो, खट्टा नहीं डाल सकते थे, और मैंने शीशा इसलिए ढका है क्योंकि ये अपने आप को नज़र लगाती है, तो मैं इसको ढक के रखूँगी तब तक जब तक ये खुद को नज़र लगाना बंद नहीं करते लड़की हमारी, ठीक है। मुझे पता नहीं गाइस आज का ब्लॉग कितना बना होगा, बड़ा बना है छोटा बना है, बस इतना ही है। और आज बस मेरा मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो रह गया ना वो स्पा वाला रह गया, मेरे को जाना था, मेरे बाल थोड़े से हो रहे हैं डैमेज से, तो मेरा मन था कि मैं एक बार यू नो स्पा वगैरह करा लूँ तो बेहतर हो जाएंगे, तो भाई अभी वो सब तो नहीं हो पाया, बाकी कल का कल देखते हैं, जहाँ तक है कल मैं जाऊँगी, अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं खुद चले जाऊँगी, ये मेरे को जाने नहीं देते यार, मैं खुद से भी जा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को पता ही है सारी जगहों का, बट ये मेरे को रोकते रहते हैं कि नहीं अकेले मत जाओ। आप स्कूटी से जाते हो ना तो उससे क्या मतलब है? नहीं आप अकेले वैसे जाओ, क्यों उस दिन गए थे ना मेरे पीछे आए थे ना पत्थर गिरवा लिए थे, याद नहीं है? फिर इसलिए मैं यहाँ पे विश्वास नहीं करती, कंस्ट्रक्शन चलते रहते चारों तरफ, तो भैया ऐसा ऐसा सीन है, तो फिलहाल अब हमको सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम से सोएंगे तब जाके हम सुबह टाइम से उठेंगे और तब जाके हम आपको मॉर्निंग में फ्रेश फ्रेश बढ़िया सा ब्लॉग दे पाएंगे। और आई होप कि आपको मेरी ये जो वाली, बहुत सारे लोगों ने गेस किया था, और जिसने फर्स्ट गेस किया था मैंने उसका पिन कर दिया था कमेंट, जिसने बताया था कि भाई ये इयर रिंग है, तो ये देखो वैसे ये नोज रिंग थी लेकिन पहनी मैंने यहाँ पर है, क्योंकि नाक में मैंने बताया था ना सर्कल वाली, ये अभी ज़्यादा सूट नहीं कर पा रही इसलिए, तो डुगुने का कोई नहीं यहाँ पर पहन ले, तो मेरे को अच्छी लगी बहुत, तो दैट्स इट। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, और बस जल्दी से डुगू अपनी नींद पूरी लेना शुरू कर दें, तो क्योंकि एक नींद ना पूरी होने से ना जो हार्ट बीट वाला रीज़न है वो भी होता है, तो अब ये जब अच्छे से सोएंगे तो फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और खांसी में भी फर्क पड़ जाएगा। तो चलो गाइज मिलेंगे कल के व्लॉग में, कल कुछ बढ़िया सा कॉन्टेंट लेके आऊँगी, ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।